अफगानिस्तान से लौटे लोगों का कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट, कल 78 लोगों में से 16 कोरोना पॉजिटिव। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लेकर आने वाले 3 ग्रंथियां भी कोविड पॉजिटिव, तीनों को नहीं था कोई लक्षण। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आए थे उनके संपर्क में, गुरु ग्रंथ साहिब की अगवानी करने गए थे एयरपोर्ट। अफगानिस्तान से भारत लाए गए लोगों को दिल्ली में छावला में आईटीबीपी कैंप पहुंचाया गया, मंगलवार को अफगानी हिंदू सिख समेत 78 लोग आए थे दिल्ली। कोरोना के मामले सामने आने के बाद सभी 78 लोगों का किया गया क्वारंटीन। अफगानिस्तान के पंजशीर तक पहुंचा आज तक तालिबान की घेराबंदी के बीच हथियारबंद विद्रोहियों का दिखा जमावड़ा। पंजशीर में अफगान सेना के कमांडर, खुफिया अधिकारियों और अहमद मसूद के समर्थकों ने खोला है मोर्चा, तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान। आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह का दावा, कहा किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे तालिबानिस्तान। पंजशीर की घेराबंदी करने वाले तालिबानियों का दावा, ऊपर से आदेश मिलने पर एक दिन में कर लेंगे फतेह। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की तालिबान नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात, अमेरिका की वापसी अभियान पर हुई चर्चा। नॉर्दर्न अलायंस ने दी जानकारी, बातचीत के लिए 40 तालिबानियों का प्रतिनिधिमंडल पंजशीर आया, कल तक नतीजे की उम्मीद। अफगानिस्तान में तालिबान ने अंतरिम सरकार का किया ऐलान, शिक्षा, वित्त और गृह मंत्रियों के तय किए नाम। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफ्फारी ने छोड़ा देश, रेस्क्यू के लिए जर्मनी की सरकार को कहा शुक्रिया। अफगानिस्तान के हालात के लिए जरीफा गफ्फारी ने पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार, दुनिया से की शांति के लिए मदद की अपील। जर्मनी में पिज्जा बॉय बने अफगानिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री सैयद अहमद शाह सादत। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक वापसी के फैसले पर कायम है, राष्ट्रपति बाइडेन G7 बैठक में दोहराया फैसला। G7 बैठक में यूरोपीय सदस्यों ने उठाई मांग, 31 अगस्त के बाद लोगों को अफगानिस्तान से निकालने का सुरक्षित रास्ता दे तालिबान। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली करने पर अड़ा तालिबान, सभी विदेशियों को जमीन छोड़ने का अल्टीमेटम। अफगानी नागरिकों के विदेश जाने पर तालिबान को आपत्ति, कहा विदेशों में नौकरी और अच्छी जिंदगी के वादे झूठे। काबुल एयरपोर्ट पर अभी अफरातफरी, अफगानिस्तान के बाहर निकलने के इंतजाम में हजारों लोग। इंदौर पिटाई कांड के बाद चूड़ीवाला गिरफ्तार, एडिशनल SP शशिकांत कनकने ने की पुष्टि। चूड़ीवाले पर नाबालिग ने लगाया था छेड़खानी का आरोप, युवक की पिटाई के बाद जमकर वायरल हुआ था वीडियो। इंदौर में थम नहीं रही चूड़ीवाले की पिटाई का विवाद, DIG दफ्तर के बाहर हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन। भोपाल से BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान, महंगे पेट्रोल डीजल को बताया प्रोपेगेंडा। 29 अगस्त को अयोध्या में राम धुन से होगा राष्ट्रपति का स्वागत, सॉन्ग की थीम तैयार करने पहुंची लोक गायिका मालिनी अवस्थी। 7 घंटे की जोरदार बारिश से देहरादून में अफरातफरी, 2 जगहों पर फटे बादल, हर तरफ सैलाब का मंजर। देहरादून के पौष इलाकों में भरा पानी, आवाजाही हुई बंद, कई जगह पानी में फंसी कारें। भारी बारिश के चलते मलबे ने ढाया कहर, बड़े बड़े पत्थर गिरने से कई मकान और दुकानों को नुकसान। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कालका शिमला हाईवे पर टूटकर गिर रहे पहाड़, यात्रियों के लिए बेहद खतरे का सफर। भुवनेश्वर में मंगलवार को जोरदार बारिश, शहर में जगह जगह जल भरा। बारिश ने बिगाड़ी दरभंगा शहर की सूरत, गली मोहल्ले में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कोहरा, बागमती के तेज कटाव में बह रहे हैं घर। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर दिखा बारिश का कहर, भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे ठप। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटते ही शुरू हुआ नौका संचालन, बगैर लाइफ जैकेट के चलती नाव पर सेल्फी लेते दिखाई दिए लोग। वाराणसी में बाढ़ के बाद फैला डेंगू का संक्रमण, नगर निगम को कोस रहे मरीज। केरल में कोरोना की रफ्तार अब भी बेकाबू, 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले, 173 की गई जान। कोविशील्ड वैक्सीन पर केरल हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल, पूछा 2 डोज के बीच क्यों है 84 दिन का अंतर। देश में अब तक 51,11,00,000 लोगों का कोरोना टेस्ट, कल एक दिन में 17,00,000 कोरोना टेस्ट। कर्नाटक में विदेशी यात्रियों को मिली कोरोना नियमों की सख्ती से छूट, UK और मिडिल ईस्ट से आने वालों को अब RT-PCR टेस्ट के नतीजे के बगैर मिलेगी एयरपोर्ट के बाहर जाने की अनुमति। गणेश उत्सव और जन्माष्टमी पर गुजरात में मिलेगी रियायत, रात 1 बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। नासिक पुलिस ने नारायण राणे को भेजा नोटिस, 2 सितंबर को पुलिस स्टेशन में हाजिरी। बीती रात राणे को 15,000 के निजी मुचलके पर मजिस्ट्रेट ने दी थी जमानत, अगले 2 सोमवार को SP ऑफिस में देनी होगी पेशी, 7 दिन में देना होगा वॉइस सैंपल। महाड कोर्ट में करीब 11:30 बजे तक जारी रहेगी कार्रवाई, कोर्ट के बाहर नारायण राणे के बेटे नितेश और बहू रहे मौजूद। पुलिस ने मांगी थी नारायण राणे की रिमांड, लेकिन महाड कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी, तुरंत मिल गई जमानत। CM उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हुई नारायण राणे की गिरफ्तारी, नासिक, पुणे, महाड़ और थाने में दर्ज थी FIR।
गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे ने आज तक से की बात, कहा मुझसे डरती है शिवसेना। राणे की रिहाई के बाद मुंबई में मना जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। इससे पहले राणे की गिरफ्तारी पर शिवसेना ने मनाया जश्न, मुंबई के कोलाबा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। पुणे में नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर की घेराबंदी। नांदेड़ में शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प, नारायण राणे को लेकर बवाल। बिहार के सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाश, डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग में नर्स की मौके पर मौत, डॉक्टर की हालत गंभीर, पुलिस ने बताया पारिवारिक विवाद। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर राहुल गांधी के पीएम पर सीधा हमला, कहा सरकार ने देश में सब कुछ बेच दिया है। राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार, स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस के राज में शुरू हुआ था एयरपोर्ट निजीकरण का काम। पंजाब कांग्रेस में शुरू हुआ घमासान, चार मंत्री और दो दर्जन विधायकों ने की सीएम बदलने की मांग। प्रताप सिंह बाजवा के घर पर हुई मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों की बैठक, बाजवा ने सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए मांगा वक्त। बाजवा के घर हुई बैठक पर पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह का तंज, कहा अगर कैबिनेट में रहना अच्छा नहीं लगता तो त्याग पत्र दे मंत्री। बाजवा के घर हुई बैठक में शामिल सात विधायकों ने डाला अटकलों पर पानी, कहा सीएम के खिलाफ किसी मांग में शामिल नहीं। पंजाब के गन्ना किसानों ने खत्म किया आंदोलन, पंजाब के सीएम से मुलाकात के बाद फैसला। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा फिलहाल ठंडे बस्ते में, राहुल गांधी से बघेल और टीएस सिंहदेव की मुलाकात में कोई फैसला नहीं। सूत्रों के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल से खुश नहीं है राहुल गांधी, लेकिन फिलहाल कुर्सी रहेगी बरकरार। यूपी में आज उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत बड़ा अभियान, सीएम योगी बांटेंगे 20 लाख का मुफ्त कनेक्शन। पेगासस जासूसी कांड पर बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ममता ने बनाया है जांच कमीशन। मंगलवार को श्रीनगर में गुपकार गठबंधन की बैठक, कश्मीर में अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव। अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पूजा, गृह मंत्री अनिल विज की सेहत के लिए दुआएं। बीजेपी विधायक संगीत सोम के समर्थकों ने वकील पर फेंका काला तेल, वकील ने कल्याण सिंह के निधन के बाद सोशल मीडिया पर डाली थी आपत्तिजनक पोस्ट। उन्नाव की सभा में योगी सरकार पर भड़के सतीश चंद्र मिश्रा, ब्राह्मण समाज से की एकजुट होने की अपील। शिवपाल सिंह ने फिर से की बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की अपील, कहा अगर अखिलेश सीएम बनना चाहते हैं तो गठबंधन बनाना उनकी जिम्मेदारी। बाड़मेर में समीक्षा बैठक के दौरान भड़के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, बिजली कनेक्शन के मुद्दे पर अधिकारियों की लगाई फटकार। बर्दवान में टीएमसी के दो गुटों में हिंसक झड़प, पूर्व पार्षद की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। 26 अगस्त को किसान आंदोलन के पूरे होंगे 9 महीने, किसानों ने बुलाया सर्वधर्म सम्मेलन। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बिहार के डिप्टी सीएम पर विवाद बयान, पैसे उगाही का आरोप। बाढ़ से बिहार में केंद्रीय मंत्री का संवेदनहीन बयान, पशुपति पारस बोले बाढ़ तो देवी का प्रकोप है, नहीं जाऊंगा पीड़ितों से मिलने। बाढ़ राहत जो है देवी पूरे देश में है, पूरे बिहार में, इसका समाधान तो जब नेपाल गवर्नमेंट से भारत सरकार से बात होगी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, प्रत्येक साल बाढ़ आता है। अपने बयान पर घिरे पशुपति पारस, चिराग गुट ने आरजेडी के केंद्रीय मंत्री पर साधा निशाना। यमुनोत्री को अलग जिला बनाने की मांग तेज, कई संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस। दरभंगा में अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे जेडीयू विधायक, हालात देखकर सिविल सर्जन को लगाई फटकार। मैंगलुरु के पानाम्बर बीच पर आया प्लास्टिक और कूड़े का अंबार, लोग हैरान। हिस्सा में मुआवजा राशि की मांग को लेकर किसान संगठनों का प्रदर्शन, 60 से अधिक गांव के किसानों ने लिया हिस्सा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर खिलाड़ियों का प्रदर्शन, नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर रखे ट्रॉफी और अवार्ड। अंबाला में पकड़ा गया नकली टीटीई, अब तक वसूल चुका है 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना। उड़ीसा के कालाहांडी में वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार, टाइगर की खाल और नाखून बरामद। उड़ीसा के गजपति में 31 क्विंटल गांजा बरामद, बाजार में कीमत 1.5 करोड़ रुपए। बांदा में रिश्वतखोरी के आरोप में एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों पर एक्शन, 3 सस्पेंड, 3 लाइन हाजिर। जलौन में किसान की गोली मारकर हत्या, जमीनी रंजिश में की वारदात। रामपुर बच्चे के अपहरण की झूठी साजिश बेनकाब, देनदारी से बचने के लिए पिता ने ही रचा था ड्रामा। बरेली में भीड़ के हत्या चढ़ा जेब कतरा, लोगों ने बांध कर बेरहमी से पीटा। सुकमा में पुलिस से मुठभेड़ में 2 नक्सली कमांडर ढेर, एक के सिर पर था 5 लाख का इनाम। जमुई से 2 नक्सली गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। गुजरात के नर्मदा में फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, पुलिस की वर्दी पहनकर झाड़ रहा था रौब। मध्यप्रदेश के आगर मालवा में लव जिहाद का मामला, पहचान छिपाकर शादी के बाद पत्नी को इस्लाम अपनाने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। फिरोजाबाद में प्रेमी युगल की हत्या, समन से नाराज लड़की ने पिता का कत्ल किया।
बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम गिरोह का पर शिकंजा, विदेशी नस्ल के कुत्ते बेचने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में जोरदार धमाके से मकान की उड़ी छत, बुजुर्ग महिला जख्मी। पाली में हत्या के आरोप में पड़ोसी गिरफ्तार, पैसे के लेन देन का था मामला। गुना में अंधविश्वास का ऐलान करने वाला खेल, मृत शख्स को फिर से जिंदा करने के लिए लाश को पेड़ से उल्टा लटकाया। सोनीपत में सड़क हादसा, लेक्चरर की मौत। फरुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी, भारी मात्रा में तमंचे और उपकरण बरामद, दो गिरफ्तार। दिल्ली के छावला में रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या, दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। बहराइच में बहू ने चाय में मिलाया जहर, घर में पांच लोगों की हालत बिगड़ी, एक बच्चे की मौत।